दर्शक साथी को स्वागत करता हूं हमारे इस विशाल प्रोग्राम में, जिनका हम लोग ऑर्गेनाइज की है एसजीएमसी बदामुड़ा के बना तले पूरी मानपुर पंचायत कर से आप सब हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। परिचय देना चाहूंगा, मंच के बाएं छोर पूर्वी दिशा है और मंच के दाएं छोर पश्चिमी दिशा है। तो मैदान के पूर्वी छोर पर जिस टीम को हम लोग देख रहे हैं तो ये है ब्लैक पैंथर की टीम और पश्चिमी छोर पर लाल कलर के जैसे में मार्डी एफसी चांदोर का पाटा जहां टीम बुझे लोग तो नुकुदुकना ब्लैक पैंथर फुटबॉल टीम सासांग लील जैसे रे और चांदोर से पटारे आरा जैसे को जेल का मार्डी एफसी फुटबॉल टीम माठे पूर्व प्रांत के होल्डर कलर जैसे थे ब्लैक पैंथर टीम खिलवाड़ और पश्चिम प्रांत है मार्डी एफसी। चलो ब्लैक पैंथर टीम में खिलाड़ी के नाम में इस प्रकार है सुनील सोरेन गोलकीपिंग की भूमिका को अदा करें, टीम सानो हासन कप्तान है जिसमें 4 पद है, दुखिया हास्ता जिसमें 3 पद है, सानो मुर्मू जिसमें 2 पद है, छोटे लाल हास्ता जिसमें 11 पद है, ओरेंज किस्को जिसमें 8 पद है, सूरज मुर्मू जिसमें 10 पद है, नंदू सदा जिसमें 6 पद है, महेश सदा जिसमें 9 पद है। टीम में दुर्गा हेमराम और प्रेम सदा टीम के शामिल है। टीम के मैनेजर है प्रसाद सातार। एड्रेस में गांव का नाम मिलने नाम में बाहर डाड़ी का नाम लिखा है और टीम में देख रहे हो पूर्वी सिंहभूम के खेल के साथ साथ चैनल के यूट्यूबर पिंटू बाबू जुड़ चुके हैं। मैं इनको हमारे कमेटी परिवार को से तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। इसमें वे जुड़ चुके हैं, इसमें इसको आप लोग फिर से यूट्यूब चैनल में भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अच्छी कोशिश, अच्छा बचाव पर गोलकीपर के द्वारा। सेकंड में जोसेफ सी और रवि ब्रज चेन्नई के बीच में होंगे, ऑपरेट में रहेंगे। मैदान के बीजेपी समर मैच रेफरी भीमसेन सोरेन है, सहयोगी रेफरी ग्रुप में मैदान के उत्तरी साइड में सत्यवन पातर और दक्षिण छोर पर दुवराज सोरेन, तीनों के तीनों स्टेट ग्रेड के निर्णायक है। कमेंट्री के लिए मैं कमेंटर ऑफ होप नंबर हूँ, दामोटी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। सभी दर्शक साथी को प्यार भरा जोहर, प्यार भरा नमस्कार। आज खेलकूद के साथ साथ आप लोग नाचगान चेस गर्ल का भी ठुमका का आप लोग आनंद ले पाएंगे। अच्छी कोशिश था यहाँ पर मार्डी एफसी के खिलाड़ी के द्वारा। चलिए छोटू लाल, जहां तक बात कीजिए भोरुडी के लेफ्टी के टूर्नामेंट में फाइनल का मैच में भी बहुत कमाल का गोल मारे, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सिंह को नवाजा गया। टीम में होनहार खिलाड़ी के रूप में 10 मत जिसमें टीम में नजर आ रहे हैं। नंदू सदा दशमरी जिसमें जर्सी थोड़ा सा लोग सही मेंशन नहीं किए। सानो जैसे प्रतिभावन डिपेंडेंट टीम के साथ जुड़ चुके हैं। मार्डी एफसी टीम की अगर बात की जाए, टीम में साहिल बहुत ही अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं। साहिल की अगर बात की जाए 24 नंबर के जिसमें है टीम में, युवा खिलाड़ी सुशांत भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। टीम के कप्तान हेमनाथ
इस साल लगभग हर टूर्नामेंट में अच्छा खेल को खेल रहे हैं। जितने भी खिलाड़ी हमारे इस मैदान में खेलेंगे, इस करके ध्यान देंगे हमारे टूर्नामेंट में ऑफसाइड का मान्यता नहीं है, लॉ 11 का अलाउ नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे। जिस समस्त खिलाड़ी मैटर मध्य खेलबे विश्व ध्यान देवें टूर्नामेंटे ऑफसाइड मान्यता दिया हुई थी। ग्राउंड की अगर बात कीजिए, ग्राउंड का लंबा चौड़ा बहुत अच्छा है। दो दिन जो झमाझम बारिश से थोड़ा सा मैदान गीली हो चुकी है। बूट का क्वालिटी अच्छा हो तो खेलने के लिए दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो आपके लिए जितना हो रहा है और विपक्ष दल के लिए उतने हो रहा है। अच्छा ग्राउंड है, मिस्टर का ग्राउंड में बॉल को रिसीव करना है, बॉल को डालना है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करके गटिंग करना चाहेंगे तो बॉल छिना जाने का चांस ज्यादा रहेगा। चले जहां तक बात कीजिए सेकेंड मैच के लिए, पहले बता दो जोश एफसी और रवि ब्रदर्स चेन्नई, आप दोनों टीम अगर ये खेल खत्म होने के पहले पहुंचेंगे तो साइड के लिए टॉस होगा, अन्यथा मैच अगर खत्म हो जाएगा एक टीम का मेडिकल चेकअप हो जाएगा उसको मतलब मैदान में प्रवेश करने का मौका देंगे, साइड वो ले सकते हैं, प्लेंटिक होगा तो पहला किक लेने का मौका उनको मिल जाएंगे। हालांकि पहला मैच के लिए हम लोग साइड टॉस की है क्योंकि ग्रुप ए का मैच में भी पहला मैच के लिए हम लोग साइड टॉस किए थे, उसके बाद जो टीम पहले आए और खेल जब ओवर हो रहा है तो उसको मैदान में प्रवेश करने का मौका दे रहे हैं अगर विपक्षी दल में विलंब कर रहे हैं। और विस्तार ने नंदू सरदार लगी लगी शॉटिंग बेस्ट लगे डाल यार हॉर्मो को नडी आलम दागा बोल चले अच्छे तालमेल भरी खेल को खेलता हुआ अब तक दोनों टीम के खिलाड़ी। हर बॉल हो चुकी किक लेने का मौका मिलेगी अपने मांडी एफसी टीम की खेल को, बर्द गोल लगने का एक अच्छा अवसर हो सकती है। बहुत अच्छा मौका पर मार्टी एफसी टीम के लिए खतरा हो सकती है, ब्लैक पैंथर टीम के लिए। चले यहाँ पर जमनी शॉट लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाया, नियम सभी आज भी वही नियम लागू रहेगा। चल बहुत ही कुछ बात है, अभी भी एक यूट्यूबर आए हैं चैनल का नाम उनका सुपई
ब्लॉगर जो इसी पड़ोस के गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसा बड़ा जो से पॉडकास्ट से बिलोंग करते हैं। कैमरामैन है सुपाई सोरेन, आरडी सागोद्राम, और सुपाई ब्लॉगर जिलेक्सा मौका था बॉल को सही रिसीव करने में नाकाम। अच्छी बॉल है पर दुखे के दौरे सल्ला वन डे सीजन में अच्छे फॉर्म में चल रहे। मौका बन सकते नंदू सरदार के लिए। अच्छे क्लियरेंस अपने अवर कमेटी को हमने सेता तमन पड़ो पे सेता जी को बोलो ना बारे गन पड़ा बोल करते देश रात पड़ो को। मौका है लेकिन पीछे बोल को सूरज के लिए डाला गया। चलिए अपन ये क्रॉस करना चाह रहे थे, सही संभव नहीं बना पाए और मेड में कोई खिलाड़ी भी मौजूद नहीं था। यहाँ पर ब्लैक पैंथर टीम का और अच्छी बचाव पर गोलकीपर गोपाल के द्वारा। चलक्सा बोल नंदू के द्वारा महेश्वर सादार के लिए। फिर से महेश्वर मेड में सूरज के लिए मौका लेकिन समय लगा था दीपक सादार का संदर्भ बचाओ। अच्छी बॉल यहाँ पर माडी स्टार के खड़े पर मौके की तलाश में। बॉल को पीछे डालना थोड़ा सा गलत माना जाएगा कि खिलाड़ी जब आगे निकल जाते इस तरह का व्हाइट ग्राउंड में सात विकेट को पीछे हटने में कुछ दिक्कत हो जाते हैं। अच्छी कंट्रोल है पर पौरेश किसको सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के राजनगर प्रखंड का बहुत ही चर्चित खिलाड़ी पौरेश किसको। दीपक कल का पूरे एरिया के सबसे चर्चित डिफेंडर में से एक माना जाता है। चले अच्छी कोशिश था लेकिन बेहतर ब्लॉक मैदान में प्रेस करके वही टीम साइड ले सकते हैं। अपलेंटिक होगा तो पहाड़ की लेने का उनको मौका मिल जाएंगे। मौका बन सकती है अपन दुखिया के लिए। ग्रुप ऐसे ही मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हमला है सू पहन कर खेल रहे हैं। आसान नहीं होता है व्हाइट ग्राउंड में बॉडी को कंट्रोल करना या अपने आप को नियंत्रण रखना। बूट का पहनना बहुत ही लाभदायक होना है, जितना क्वालिटी बूट आप पहनेंगे उतने ही आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर बूट आप नहीं लाए तो कम से कम माइंड से ये बात को आपको दूर करना होगा, मैं इस जूता के साथ ही इस एब्रॉन के साथ ही अच्छा खेल सकता हूँ। फिलहाल दोनों टीम
अच्छे खेल को दर्शाते हुए लेकिन अच्छा परिणाम को निकलने में नाकाम रहे हैं। बहुत अच्छी जगह पर बॉल लो, मौका बन सकती है, कटिंग करना चाह यहाँ पर दुर्गा, बहुत ही स्टार खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी, अच्छे स्कोर के लिए जाना जाता है, लेकिन आज काफी समय तक उनको सिटिंग जोन में बैठा के रखना था टीम के कोच। चिल्ला पर फाउल चुके, फाउल करने की लेने का मौका मिलेंगे, मार्डी एफसी की खाड़ी को अच्छी गोलकीपिंग, गोलकीपर सुनील सोरेन के द्वारा बैटबॉय जैसे बड़ी क्लब से भी कई सारे मैच में गोलकीपिंग कर चुके हैं। बहुत अच्छी तालमेल यहाँ पर महेश क्या करते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी दबाव में यहाँ पर मार्डी एफसी मौका बन सकती है यहाँ पर ब्लैक पैंथर के लिए, दूर से लेकर शॉट नजर मसादर का अच्छा हेडर क्लियर है। चलिए यहाँ पर खतरा हो सकता था, अच्छा कोशिश था पर मार्डी एफसी के लिए, लेकिन 50-50 मोमेंट जब भी बनता है खिलाड़ी को या गोलकीपर को बॉडी टेपर करके सड़ना चाहिए, और अमूमन जब गोलकीपर के रीच में या डिफेंडर के रीच में बोलाते तो फॉरवर्ड बनते खिलाड़ी को ज्यादा रिक्स नहीं लेना पड़ता है, लेकिन गोल लगने के लिए रिक्स लेना जरूरी भी बन जाता है। दीपक सरदार और महेश सरदार के बीच अपर कांट का टक्कर, जिन कोनर हो चुकी कोनर ग्रुप में एक अच्छा मौका है बढ़त गोल देखने का, गाड़ी ना पाए ताप लड़े गोल पकड़ा ब्लैक पैंथर टीम लगी बाहर डडी ना एड्रेस को का ब्लैक पैंथर टीम और मार्टी से दो हाथरा बेड़ा एड्रेस को का मौका बन सकती है, बॉल में डिफ्लेक्शन, अच्छा मौका लेकिन बेहतरीन बचाओ, कॉन्ट्रेडिक का ज्यादा कुछ लाभ नहीं उठा पाए, बार बार जहां तक बात कीजिए ब्लैक पैंथर के डिफेंडर सभी आगे चल रहे हैं और कॉन्ट्रेडिक का लाभ तो मिले लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, का मौका मिल रही है लेकिन फायदा अब तक नहीं उठा पाए मार्डी एफसी की टीम। और चलिए श्री शबर समय